नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका बुधवार का यानी कि 13 सितंबर का मार्केट कैसा रहने वाला है और ग्रह योग क्या स्थितियां बना रहे हैं। इसके साथ जो है कौन से ग्रहों का कल प्रभाव देखा जा सकता है। मार्केट में कल तेजी के योग बन सकते हैं या मंदी के योग बन सकते हैं। इसके साथ क्या लेवल रह सकता है और क्या आपका राशिफल रह सकता है। बहुत से लोगों को ज्योतिष की भाषा समझ में नहीं आती है। यदि हम अपसाइड मार्केट कहते हैं, मतलब मार्केट में कुछ तेज़ी के योग भी बनेंगे, कुछ डाउन के योग भी बनेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो इतनी भाषा तो आप समझ ही सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के अनुसार तेज़ी मंदी बतलाई जाती है। और जैसा कि कल के मार्केट के लिए मैंने बतलाया था कि जो है अपसाइड के मार्केट में जो है कुछ डाउन की स्थिति हमको देखने को मिलेगी, तो बराबर आपके मार्केट में अप और डाउन की स्थिति बराबर चली। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान बड़ा सटीक और सही निकल आता है, जिससे कि हमें कार्य करने में आसानी हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा आसानी यह हो जाती है कि जब हमें कुछ लेवल का अंदाज हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज ही बताया गया था ग्रह गणना के अनुसार कि कॉल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रॉफिट व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन मार्केट में बहुत अधिक इंतज़ार करने से नुकसान ही होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है। और जैसा आप जानते ही हैं कि हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद आप ज्योतिष की टिप्सों को देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे और डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम सबसे पहले जो है पंचांग की गणना देखते हैं कि कल का मार्केट क्या कह रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या मार्केट के विषय में सलाह लेना चाहते हैं, तो जो कार्यालय का नंबर दिया रहता है उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक रूल डायल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है। लेवल्स दिए जाते हैं कहाँ पर तेज़ी, कहाँ पर मंदी के योग बनेंगे, यह एस्ट्रोलॉजी के बेस पर ही बतलाया जाता है। तो आप यह जो भी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, वो दिया नंबर जो कार्यालय का रहता है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे और एक सूचना और है कि जो लोग अक्टूबर मंथ का निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो वह 31-30 या 31 जो है आपके सितंबर को कॉल करके जो है अपना ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, जो कार्यालय का नंबर दिया हुआ है इसी पर। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है। तो सबसे पहले तो 13 सितंबर बुधवार का दिन रहेगा, मघा नक्षत्र रहने वाला है, सिंह राशि का प्रभाव पूरे दिन रहने वाला है। और इसके साथ जो है चंद्र की स्थिति सूर्य बुध के साथ है, सामने शनि है, केंद्र योग बन रहा है शनि सूर्य बुध और चंद्र का, तो यह भी विशेष जो है मार्केट को प्रभावित कर सकता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कल मार्केट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम राशिफल की ही गणना करेंगे कि राशिफल क्या कहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति के अनुसार यदि हम देखते हैं तो कल मार्केट में जो है मेष राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है। इसके साथ जो है आपकी वृषभ राशि वालों के लिए जो है मिश्रित योग है, प्रॉफिट मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं। मिथुन राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है। सिंह राशि वालों को हानि हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए पूर्ण हानि का योग बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए कल पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है। इसके साथ जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित योग है, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं। धनु राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए मिश्रित योग है, प्रॉफिट मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं, दोबारा प्रयास न करें वरना हानि हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए हानि का योग बना हुआ है। तो जिन भी राशि वालों को हानि के योग हैं, वे बहुत ही सोच विचार के काम करें या ना करें, बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके साथ जो है ये और अधिक राशिफल जो अपनी जन्म पत्रिका से ही दिखलाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कल और मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है, तो ग्रह योग क्या स्थितियाँ बना रहे हैं। जैसा कि आज का मार्केट हमने देखा कि मार्केट में पहले मार्केट अपसाइड खुला और उसके बाद डाउन बना, फिर पुनः अप में गया और फिर डाउन की स्थिति में ही मार्केट आपका चलता रहा। इस प्रकार से मार्केट की कल की ग्रह स्थिति जो बतलाई गई थी वह पूरी तरह सटीक और लागू हुई।
अब हम देखेंगे जैसा कि ओपन 20,110 हुआ था, लो गया 19,914, मैंने 19,973 तक का जो है टारगेट निकाला था कि डाउन जा सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपका मार्केट जो है 19,914 तक गया। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान निकल आता है। यदि हम 20-30 या 40-50 पॉइंट के बीच में भी काम कर लेते हैं तो हमारा मार्केट में काम करने का मतलब जो रहता है सार्थक हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान, एक अंदाज आप लोगों को बतलाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कल के मार्केट में क्या स्थिति बनने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में सबसे पहले हम देखेंगे तो कल यदि हम ग्रह योग से देखते हैं तो मार्केट की कल जो पोजीशन चल सकती है उसके आधार पर मार्केट में कुछ डाउन में कुछ अप के योग देखे जाएंगे। इसके साथ जो है यदि हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी कल जो है लगभग 55 पॉइंट से लेकर के 180 पॉइंट के बीच में भी कार्य योग देखा जा सकता है। इसके साथ यदि हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 200 से लेकर के लगभग जो है 400 पॉइंट के बीच में कार्य योग देखा जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लेवल निकाले जाते हैं जैसा आप जानते हैं कि वह सही और सटीक होते हैं, और कार्यालय जो 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है उस समय की गणना से और मार्केट की स्थिति क्लियर निकल आती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। और राहु का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 2023 से लेकर 25 तक, वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें। इसके साथ ही साथ जो है लकी स्टॉक कल के क्या रहने वाले हैं इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ दूसरे वीडियो में, उसे भी आप देखना ना भूलें।